जो देश के लिए लड़ते हैं उनके लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये आपको सिर्फ एक उदाहरण से पता चल जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सेना उनसे बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती रही। कांग्रेस 6 साल तक उनकी इस मांग को टालती रही। हमारे बच्चे आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में शहीद होते रहे। अभी तो जीवन के सारे सपने अधूरे, जिंदगी की शुरुआत 18-20 साल की उम्र और मातृभूमि के लिए शीश चढ़ा दिया, बलिदान दे दिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है हुआ तो एक ही जवाब, लोग शहीद हुए, हुआ तो हुआ। भाइयों और बहनों, अपनी इसी सोच की वजह से कांग्रेस और इन महामिलावटी लोगों ने देश को रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर बना करने की दिशा में न गंभीरता से सोचा, न गंभीरता से कोई कदम उठाया। 2014 में आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। जिम्मेवारी संभालने के बाद मैं जरा चीजें समझने लगा, फाइलें खंगाली, और जब फाइलें खंगाली तो पता चला कि हमारा देश अपनी सुरक्षा का 70% से भी ज्यादा भाग विदेशों से आयात करता है। भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन कांग्रेस कहती रही हुआ तो और ये क्यों होता था? क्योंकि इसमें ये रक्षा सौदे इन लोगों के लिए एटीएम था, मलाई खाना का रुपया निकालने का खेल था। इसलिए इन्होंने कभी भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। और कोई सौदा ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रक्षा सौदा नहीं है पहले जिस पर इन लोगों पर गंभीर आरोप न लगे हो। भाइयों और बहनों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास, ये सुनकर के आपको हैरानी होगी, और मैं हिमाचल की धरती पर आया हूं जहां का हर परिवार वीर पुत्रों का और वीर माताओं का परिवार है, जो धरती वीरों की धरती है। छोटा सा प्रदेश है, इतने बड़े देश की रक्षा करता है। इसलिए हिमाचल के लिए मुझे गर्व होता है, और तब जाकर के दिल खोल करके हिमाचल के सामने बात करने का मन करता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास रक्षा उत्पादन का 150 साल से ज्यादा का अनुभव था। यानी आज से 70 साल पहले, यानी आज के हिसाब से कहूं तो करीब 225 साल, तब देश में एक दो नहीं बल्कि 18 आयुध फैक्ट्रियां काम करती थी जो आधुनिक शस्त्र बनाती थी। वहीं दूसरी ओर उसी कालखंड में चीन में रक्षा उत्पादन करने वाला एक भी कारखाना नहीं था।
हमारे पास 200 साल पहले 18 ऐसे उद्योग थे जिनके पास एक भी नहीं था, लेकिन आज चीन रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि संसार में इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है। इसके उलट भारत आज दुनिया में रक्षा सामग्री आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उल्टा हो गया। भारत इतना कुछ आयात करता रहा, हम मांगते रहे, लेते रहे, एटीएम से पैसे निकालते रहे, और देश में कोई सवाल पूछता था तो कांग्रेस कहती रही, हुआ हुआ हुआ। साथियों, बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस स्थिति को बदलने का पूरा प्रयास किया है। पहले की सरकार की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई है।